गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग का आज का क्लास क्या होगा? हम लोग का आज का जो क्लास होगा वह यह होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यानी अगर एक कंडक्टर मटेरियल में ठीक है करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यह है आज हम लोग का टॉपिक। ठीक, अभी इसके पहले हम लोग ने पढ़ा कि हमने तो पढ़ा था कि एक जो हमारा मैग्नेट होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं? अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर वायर में तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। गजब की बात है। ठीक है, आंसर यस होता है। ठीक, तो और यह है हम लोग का आज का टॉपिक। फिर उसके बाद भाई आप लोग है ना मानोगे नहीं है ये, इसमें का अगर करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मानोगे नहीं है ना? तो हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, प्रूव करने का मतलब है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर एक कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, और जो एक्सपेरिमेंट करके बताएं सबसे पहले वो थे HC ओरेस्टेड। ठीक है, 1820 में बताया था, तो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज का ये है हम लोग का क्लास। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू कर दें। ठीक है, देखिए हम लोग ने इसके पिछले क्लास में पढ़ा है कि एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मान लीजिए आपका साउथ, ये हमारा हुआ नॉर्थ, ये बार मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ क्या बनता है? तो आंसर है इसके चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब अगर इसके चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में है ना कोई दूसरा मैग्नेट, या फिर अगर हमारे नेल के कुछ पीस, आयरन के कुछ पीस है ना, अगर उस फील्ड में इंटर करता है या उस फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। आंसर यस। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो हमारा बार मैग्नेट है ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है नीडल कंपास या फिर नीडल मैग्नेट है ना, जानते हो ना, यस, अगर वो रखेंगे तो वह किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाके स्टे होगा, रुक जाएगा। ये था, तो हमने मान लिया ये था आपका नॉर्थ, ये था आपका साउथ, तो ये जो आपका कंपास नीडल है या नीडल मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड में जाके किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे हो जाता है या फिर उसमें डिफ्लेक्शन होता है, यही पढ़े हुए ना, यस। ये तो कहीं कहीं बार मैग्नेट के चारों तरफ कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई एक मेटल कंडक्टर वायर है यानी कॉपर वायर है, ठीक, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ भी क्या बनता है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये है हम लोग का टॉपिक। तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये कौन बताया? तो आंसर है ओरेस्टेड ने बताया था, साइंटिस्ट है HC ओरेस्टेड। ठीक है, उन्होंने बताया था कि एक कंडक्टर वायर है, मेटालिक कंडक्टर वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ अगर आप कहीं नीडल मैग्नेट ठीक है या कंपास मैग्नेट अगर आप रखते हो तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, यस, और डिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा तो किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके स्टे हो जाएगा, ऐसा था? आंसर यस। ठीक है, तो ये तो है और यही हम लोग का टॉपिक ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर में करंट फ्लो कराओ तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? यस, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये बताया ओरेस्टेड ने, ये है आज का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये रहा, फिर से अभी हमने आपको बताया कि आप तो मानोगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। ठीक है, तो अब हम लोग नोट कर लेते हैं ये, फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट पर आते हैं।
ठीक है, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या होता है। ठीक है, ओके, तो ये था है ना हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो क्या है, एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, विच वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एचसी ओरेस्टेड इन 1820। ये था है ना, आप तो बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे है ना कि ऐसा होता है। तो हम अब हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो हमको बिलीव होगा। हाँ, अगर एक कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी आपको बार मैग्नेट के लिए फिर से बता दिया था है ना, तो बार मैग्नेट था उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, उसमें कोई दूसरा मैग्नेट या कोई नेल होगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर हम निडिल मैग्नेट लिए हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा, तो हमको बिलीव होगा। यस, तो अब हम लोग का टॉपिक क्या है, ये कि अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कौन बताया था, ठीक है, ओरेस्टेड ने बताया था, एचसी ओरेस्टेड। ठीक है, और ये आपको मिलेगा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि एक्टिविटी 13.4 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं जो आपकी एक्टिविटी 13.4 में मिलेगा आपको। ओके, तो हम लोग का ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है ना, ये प्रूफ आपको कराएगा कि एक कंडक्टर वायर, ठीक है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये प्रूफ करके हमको दिखाएंगे। ठीक है, और आप बिलीव करोगे, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है एक्सपेरिमेंट करने का, जो कि आपका एक्टिविटी है, ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा 13.4 का है ना। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि एक हम लोग बहुत स्ट्रेट यानी लंबा वायर लेते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि एक दो तीन, लगभग दो या तीन हम लोग 1.5 वोल्ट की सेल ले लेंगे, सेल। ठीक है, कितना, तो हमने आपको बताया कि ये एक सेल है कितने का, 1.5 का। ठीक है, ये दूसरा सेल है कितने का, 1.5 का। ये तीसरा सेल है कितने का, 1.5 का। तो दो तीन हम लोग क्या लेते हैं, 1.5 वोल्ट का सेल ले लेते हैं। ठीक, और उन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये जोड़ लिया, तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, जोड़ लिया। ओके, अब फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं एक की प्लग। ठीक है, तो एक की प्लग लिया और हमने यहीं पर जोड़ दिया की प्लग को, ऐसे इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, और एक क्या ले लिया, एक लंबा वायर ले लिया। ठीक, ये हमने ले लिया एक लंबा वायर। ठीक, ये हमारा है एक लंबा स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट है, ये हमारा लंबा वायर हुआ। तो एक लंबा वायर, दो या तीन 1.5 वोल्ट का सेल लिया और एक की प्लग लिया और सबको हम लोग कनेक्ट कर दिए सीरीज में, सबको सीरीज में जोड़ दिया। ये रहा हमारा पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप में क्या लिखोगे है ना, पहले अभी हम आपको लिखवाते हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि दो या तीन हम लोग 1.5 का सेल लेते हैं और एक की प्लग लेंगे और एक लॉन्ग वायर ले लेंगे और सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। ठीक, दूसरा हमारा स्टेप ये होगा कि हम लोग इस स्ट्रेट वायर के पैरेलल, चाहे इसके एक हम लोग कंपास मैग्नेट या नीडल मैग्नेट लेते हैं इसके पैरेलल। ठीक है, ये रहा आपका ये रहा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है नॉर्थ और ये है आपका साउथ। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या कहा कि अब इस स्ट्रेट वायर के पास या इस स्ट्रेट वायर के पास या इस स्ट्रेट वायर के पास पैरेलल हम लोग एक नीडल मैग्नेट या कंपास मैग्नेट हमने ले लिया। ठीक है,
अब जब हमने लिया तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, अभी हमने इसमें करंट फ्लो नहीं कराया है। देखिए करंट फ्लो होगा क्या? आंसर ही नहीं होगा करंट फ्लो, ठीक है। अब ये इस तरह से ये नॉर्थ बता रहा है, ये साउथ बता रहा है, और इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, और इसके पैरेलल हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा सोचिए, अब ये अगर हम स्ट्रेट वायर लिए हैं, ये स्ट्रेट वायर लिए हैं, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? स्ट्रेट, ये वायर है आपका, ये स्ट्रेट वायर है, ये डायरेक्शन क्या होगा? नीचे है, तो इसको क्या बोलोगे आप? वेरी गुड, साउथ, है ना, ठीक है। और इसको इधर क्या बोलोगे? आंसर है नॉर्थ, नॉर्थ बोलोगे ना, यस, ठीक है। और अगर मान लिया ये सेंटर है, तो ये आपका ऐसे, तो इधर क्या होगा? आंसर है ईस्ट होगा, इधर आपका क्या होगा? ईस्ट होगा, और इधर क्या होगा आपका? वेस्ट होगा, वेस्ट होगा कि नहीं? यस yes, ये डायरेक्शन है हमारा, समझ रहे ना, ये रहा हमारा। अब हम लोग करते क्या है, ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ कि हम लोग वायर के पैरेलल नील मैग्नेट को हमने प्लेस कर दिया, रख दिया, ठीक। तीसरा स्टेप अब हम लोग करते हैं, इस प्लग को, ठीक है, क्लोज करते हैं, की को क्लोज करते हैं, और जब क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं? यस होगा। और जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? और जो हमने स्टेट वायर लिया हुआ है, हमने ये लिया हुआ है, मान लीजिए ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, ठीक है। एक्स वाई हमारा कंडक्टर वायर है, वायर तो ऐसे पे भी है, ये भी है, ये भी है, सब है, लेकिन हमने ले लिया इस कंडक्टर के पैरेलल, ये हमने नीडल मैग्नेट को रखा है। अब करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा, और ये हमारा क्या है? सेल है, कितने सेल हैं? तीन सेल हैं, तो इसमें कुछ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यस। अब जब करंट का डायरेक्शन होगा तो ये पॉजिटिव, सो करंट आपका डायरेक्शन ऐसे ऐसे यहाँ पर। तो इस एक्स वाई स्टेट वायर में जो करंट का डायरेक्शन है वह किधर है? आंसर है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यह है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे ही हमने की को क्लोज किया तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ, और करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ? नॉर्थ टू साउथ, पक्का, ठीक। अब जब नॉर्थ टू साउथ हुआ तो अब हमने जादू देखा, जादू देखा कि ये जो हमारा नीडल मैग्नेट इस तरह से रुका हुआ था, अब इसमें डिफ्लेक्शन हुआ और ये ऐसे जाके ऐसे हुए और कंटिन्यू करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा, ठीक है, कि ये जो हमारा नॉर्थ है ये ऐसे हो गया, है ना, ये हमारा नॉर्थ है यहां पर आ गया, ऐसे हो गया, डेविएट हो गया यानी डिफ्लेक्ट हो गया, और ये हमारा हुआ साउथ। पहले तो ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, समझ रहे ना। यानी जो मैग्नेट का नॉर्थ था वह किधर डिफ्लेक्ट हुआ? तो आंसर है ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, और करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो जब करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ था तो जो हमारा नील मैग्नेट था यानी कंपास मैग्नेट था वह क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ किधर की तरफ, यानी डिफ्लेक्ट हुआ जो उसका नॉर्थ पोल था, नॉर्थ वह डिफ्लेक्ट हुआ ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमको एक ऑब्जर्वेशन के रूप में मिला, ठीक है, ऑब्जर्व किया तो हमको ऐसा देखने को मिला, पक्का, ठीक। अब फिर से जैसे हम सर्किट को ओपन करते हैं, सर्किट को ओपन किए यानी प्लग को ऑफ किए, है ना, ओपन किए, तो इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया, बंद हो गया। फिर से हमने देखा कि ये जो हमारा नीडल मैग्नेट था अब ये सीधे रुक गया, ऐसे रुक गया, रुक गया, ठीक है। यानी इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो रहा है, सोचो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा था तो डिफ्लेक्ट हुआ, और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद वो अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, है कि नहीं, यस yes। तो अब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक, ये बात आ गई। ये हमने ऑब्जर्वेशन करके देखा कि जब नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो हो रहा था तो डिफ्लेक्शन किधर हुआ? नॉर्थ का, आंसर है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ओके। अब जस्ट इसका हम रिवर्स कर देते हैं, है ना, रिवर्स, रिवर्स इस तरह से करते हैं कि ये जो हमारे सेल लगे हुए हैं इनकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, ये प्लस था और ये माइनस था,
ठीक। अब इसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो एक और फिगर आप बना सकते हो, तो बना लेते हैं, ठीक है। तो जो है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर एक हम और नया फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, ओके। तो अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया है ना, जो एक्टिविटी हमने की उसको नोट डाउन कर लिया है ना। तो सबसे पहले क्या है, टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक, 2R3 है ना, सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड ए की प्लग या प्लग की। अब इन सबको कनेक्ट किया है ना, कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज, सबको सीरीज में जोड़ दिया है ना, ठीक। दूसरा क्या था, किसी एक स्ट्रेट वायर के पैरेलल नीडल कंपास या कंपास नीडल हमने रखा, ठीक, ओके। तो दूसरा, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल, ये हमने रखा हुआ था, ठीक। फिर हमने क्या, स्विच को क्लोज, जब स्विच को क्लोज किया तो करंट फ्लो हुआ नॉर्थ टू साउथ, और जो हमारा डिफ्लेक्शन था मैग्नेट का नॉर्थ पोल का, वह किधर हुआ, टुवर्ड ईस्ट, ये था, ठीक है। प्लग द की इन द सर्किट, की को प्लग किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्वेशन करके देखा कि जो हमारा नीडल मैग्नेट है ना, वह डिफ्लेक्ट हुआ उसका नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ, वही लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल है ना। इफ द करेंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ करेंट फ्लो हो रहा था, तो हमने ऑब्जर्व किया नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हुआ, आंसर है किधर डिफ्लेक्ट हुआ, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टूअर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव हुआ, बस, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसका जस्ट हम अपोजिट करेंगे, ठीक है। फिर से हमने किया की को ओपन, ठीक है, फिर ये जो हमारा पोजीशन था मेन पोजीशन, वह इस तरह से रुका हमारा, स्टे हुआ, अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, करंट फ्लो कोई नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये हमारा हुआ, फिर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये सिचुएशन हमको देखने को मिला, यस। अब फिर हम क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, ये हमारा होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा हुआ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अब ये हमारा हुआ पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव, ठीक है। अब फिर हमने पोलैरिटी को चेंज करने के बाद हमने की को प्लग किया, यानी फिर से स्विच को क्लोज किया, अब करंट फ्लो होगा, यस करंट फ्लो होगा सर्किट में है ना। तो जब करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अब जो करंट है वह फ्लो हुआ साउथ टू नॉर्थ की तरफ फ्लो हुआ, अब हमने फिर से जादू देखा है ना, नीडल मैग्नेट में फिर से जादू देखा, फिर से डिफ्लेक्शन देखा, और वो जो डिफ्लेक्शन था उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो गई, उसका जो डिफ्लेक्शन था वो भी चेंज हो गया, जादू, ठीक है, चेंज हो गया। तो जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ था, अब ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, ये साउथ हो गया और ये हुआ आपका नॉर्थ, इधर डिफ्लेक्ट हुआ। अब जब इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, आंसर है नॉर्थ जो पोल है मैग्नेट का वह वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, सही है आंसर, यस। कब, जब हमने पोलैरिटी को चेंज किया, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज किया, तो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो भी चेंज हो गया। यहां से आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पोलैरिटी चेंज करने पर क्या होता है। तो अब इस तरह से आपको अगर समझ में आ गया तो जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर फटाक से दे दोगे, सही है। तो ये था आपका ओरेस्टेट का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब आपको बिलीव हुआ, विश्वास हो गया ना, यस। अब अगर एक कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक बा, यस, ठीक है। अब यही हमने लिखा हुआ है नंबर 5 में, इफ द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट, जो कि हमने साउथ टू नॉर्थ करा दिया पोलैरिटी चेंज करने पर,
बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दिया, तभी हुआ यस। ठीक है, देन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, और जो कि हमने देखा उसका नॉर्थ पोल था, किधर डिफ्लेक्ट हुआ, आंसर है टुवर्ड वेस्ट। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।